बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। नाज़रीन, माँ बाप की नाचाकी जो है वो बच्चों के लिए एक तो तकलीफ़ का बाइस बनती है, और अगर ये लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाएं कि मामला अदालतों तक चले जाएं, तो बच्चे ना सिर्फ रुल जाते हैं बल्कि बच्चों के साथ दोनों माँ बाप जो हैं वो अपना अपना उनके अंदर जो गुस्सा भरा होता है वो सारा बच्चों पे निकालने की कोशिश करते हैं। बहावलपुर में बड़ा ही एक दिल खराश अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि इस वाकये को जब मुझे भी पता चला और मैंने इसको देखा कि क्या सारा मामला हुआ है, तो यकीन करें कि एक दफा अंदर से ना दिल रो पड़ा है कि एक बाप जो है वो किस तरीके से अपनी बेटियों को इस तरीके से ज़िबा कर सकता है कि इंसान जो है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इस तरह के वाकयात हमारे माशरे में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बच्चों को उठाया जाता है जाके, जी बाप ने चार बच्चे नहर में फेंक दिए हैं या माँ ने बच्चे नहर में फेंक दिए हैं, कि बच्चे जो हैं ये तो एक फूल की मानिंद होते हैं, और माँ बाप जो हैं वो अपनी लड़ाई झगड़े इनकी भेंट अपने बच्चों को आजकल जिस तरीके से चढ़ा रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। और इस इन मामलात में अगर इस तरह की चीजें की जा रही हैं तो इन लोगों को फिर सजा जो है वो होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ अलमिया है कि सजा बर वक्त नहीं होती और ये मुलजमान बासानी इन सारी चीजों में से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बेसिकली ये वाकया है, बाप के हाथों दो कमसिन बच्चों का कत्ल हुआ है गुज़श्ता रोज, बहावलपुर थाना है मुसाफिर खाना के करीब। ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं एक लंबे अरसे से दोनों में नाचाकी रहती थी, बहुत ज्यादा झगड़ा रहता था, झगड़ा इतना भर चुका था कि बीवी जो है वो नाराज होकर अपने मेके चली गई और शोहर जो था उसने कहा कि वो बच्चियों को साथ नहीं जाने देगा। सो जिस तरह मोस्टली फैमिलीज में होता है कि अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई है तो शोहर मोस्टली बच्चे जो है वो अपने पास रख लेता है, कि बीवी मजबूर होके किसी तरीके से शायद बच्चों की वजह से ही वापिस आ जाए। इनकी जो लड़ाई झगड़े थे इस कदर भर चुके थे और नचाकी इतनी भर चुकी थी कि वो इनकी जो अहलिया थी वो नाराज होके अपने मैके चली गई। मैके जाकर जो है उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दे दी कि बच्चियां उनकी छोटी हैं और बच्चियां जो हैं उनके हवाले की जाएं बरामद करके, यानी उन्होंने कुछ ऐसा अदालत में दरख्वास्त में मेंशन किया था कि बच्चियां जो हैं वो काफी अरसे से बाप ने कहीं उनको छुपा रखा है, मेरे से मिलने नहीं दिया जाता। जाहिर है बच्चों के ऊपर माँ बाप दोनों का राइट होता है। सो अदालत ने ये हुक्म दिया, दो तीन तरीकों के बाद अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि पुलिस जो है मुतलका थाने की वो बच्चियों की हवालगी और बरामदगी के लिए जो है वो शोहर के घर जाए और वहां से बच्चों को यानी बेटियों को बरामद करे और अदालत में बच्चियों को पेश किया जाए, क्योंकि उसके बाद बच्चियां कम उम्र थी तो उन्हें फिर माँ के हवाले यकीनन अदालत ने कर देना था। सो पुलिस गुज़श्ता रोज जो है ये बहावलपुर में थाना मुसाफिर खाना के करीब ये घर है जहाँ पे पहुंची और जाके बाप से कहा कि बच्चियां जो हैं वो साथ लेकर जो है वो पुलिस के साथ चले और फिर अदालत में जो है वो बच्चियों को पेश किया जाना है, क्योंकि अदालत की तरफ से ये हुक्म आया है। सो बाप जो सज्जाद नामी ये मुलजम है, यानी जो बच्चियों का बाप था उसका नाम सज्जाद है, सज्जाद जो है वो पुलिस को ये कह के अंदर चला गया कि ठीक है मैं बच्चियों को लेकर आता हूँ। अंदर जाकर इतना वो संगदिल दरिंदा सिफ्त ही बाप होगा सफाक किस्म का, कि उसने अंदर जाके अपनी एक 3 साल की बेटी और एक 4 साल की बेटी दोनों को ही कई के वार करके जो है वो उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए बच्चियों के, यानी एक वो कई होती है जिसके साथ ये चीजें वगैरह तैयार करते हैं जो ये सीमेंट वगैरह तैयार होता है, तो उस कई के वार करके तो बच्चियां दोनों ही उसने जो है वो घर के अंदर कत्ल कर दी। पुलिस बाहर खड़ी थी लेकिन पुलिस को पता ही नहीं चला, और बच्चियों के टुकड़े करके बच्चियां कितनी चीखी चिल्लाई होंगी, कितनी उन्होंने माफियां मांगी होंगी, और छोटी बच्चियां यानी 3 और 4 साल की क्या बच्चियों की एज होती, क्या उनको पता होता है, और कितना ये संगदिल यानी बाप, मैं तो इसे सफाक दरिंदा कहूंगी, बाप तो कहलाने के ये लायक नहीं है, इसने उन दोनों बच्चियों को
मार मार के कई के साथ उनके जिस्म के इतने टुकड़े कर दिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद फिर ये खुद ही बाहर आया, और बाहर आकर इसने पुलिस को बताया कि मैंने वो जो बच्चियां हैं, चूंकि वो मैंने अपनी बीवी को नहीं देनी थी और मैंने उसे पहले ही कहा हुआ था कि उसे किसी सूरत बच्चियां नहीं मिलेंगी, सो मैंने दोनों बच्चियों को कई के वार करके अंदर उनके टुकड़े कर दिए हैं, तो लिहाजा अब मैं अपनी गिरफ्तारी दे रहा हूं कि मैंने उन बच्चों को कत्ल किया है। और पुलिस ने मुल्जम सजाद को अरेस्ट कर लिया है। और जब माँ को पता चला कि बच्चियां अदालत में बरामदगी की बजाय उनको दफन करना पड़ेगा, तो माँ पे गशी के दौरे पड़ रहे हैं, सदमे की हालत में है। और ये इस तरह के जो वाकयात हैं, अभी एक दो दिन पहले भी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि एक बाप ने अपने तीन बच्चे जो हैं वो नहर में फेंक दिए, जिनमें से कि एक बच्ची बच गई और दो बच्चियां जो हैं वो नहीं मिल रही थी रेस्क्यू वालों को। और ये कोई एक वाकया नहीं है, ये हमारे यहाँ इतने ज्यादा वाकयात हो रहे हैं कि माना के घरेलू नचाकियां, घरेलू झगड़े मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? और इतने छोटे बच्चे जिनको कोई सेंस भी नहीं है, और उनको ये मियाँ बीवी अपनी लड़ाइयों की भेंट इस तरीके से चढ़ाते हैं, या तो माँ बच्चों की गर्दनें काट रही है। अभी कुछ अर्सा पहले साहिवाल में एक इस तरह का वाकया पेश आया कि तीन बच्चे माँ ने जिबा कर दिए थे सिर्फ के खामत के साथ झगड़ा चल रहा था। और इसी तरह बाप पकड़ते हैं तो कभी नहर में जाके फेंक देते हैं कि बीवी को सबक सिखाना है, और कभी बच्चियों को इसी तरह कई के वार करके उनके टुकड़े कर दिए, और कभी इसी तरीके से बच्चों को पकड़ते हैं नहर में जाके फेंक देते हैं। ये कैसे, ये जुर्म, इस तरह के जरायम कैसे कम होंगे? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चूंकि ये जो पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं, जब ये इस तरीके से कुछ भी अपने बच्चों के साथ करते हैं, इनको आपने कभी सुना है कि फलां बाप ने अपने इतने बच्चे मार दिए थे उसको सजा हुई है? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना। सो ये इस वजह से जरायम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। और मोस्टली हमारे यहाँ यही अलमिया है कि जब एक माँ या बाप या कोई करीबी रिश्तेदार मर्डर करता है, तो उसको सबसे बड़ा एज ये मिलता है कि मुद्दई कोई अपनी ही करीबी फैमिली का, या अपना ही, इस मुकदमे में भी अब माँ ही होगी मैक्सिमम मुद्दई। तो क्या होगा, कुछ अरसे बाद माफी तलाफी कर दी जाती है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से ये जरायम जो है ये इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि ये बच्चों को फेंकने वाले, बच्चों को मर्डर करने वाले, ये इतने वाकयात बढ़ चुके हैं कि शायद ही कोई दिन होगा कि कोई ऐसी रिपोर्ट सामने ना आती हो। सो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। खुदारा जो मियाँ बीवी की नाचाकियां हैं, जो भी क्लैशेस हैं, वो मियाँ बीवी की हद तक रहने दें, बच्चों पे इस तरह के जुल्म मत ढाएं। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।